डॉल्फिन, कछुओं, मगरमच्छों और शार्क की कुछ प्रजातियों के साथ साथ दुनिया के सबसे पुराने जीवों में से एक है। गंगा रिवर डॉल्फिन को ऑफिशियली 1801 में खोजा गया था। गंगेटिक डॉल्फिन पहले नेपाल, भारत के गांगेस, ब्रह्मपुत्र, मेघना और बांग्लादेश के कर्णफुली सांगू रिवर सिस्टम में रहती थी, लेकिन अब यह अपने अधिकांश पहले वाले निवास स्थानों से विलुप्त हो चुकी है। गंगेटिक डॉल्फिन का शरीर 150 किलो तक वजनी होता है। इसका लचीला शरीर काफी मजबूत होता है। फ्लिपर्स बड़े किंतु फिन ट्रायंगुलर और छोटा होता है। गंगेटिक डॉल्फिन का सिर खरबूजे जैसा होता है। इसकी एक लंबी चोंच होती है जिसमें 130 तीखे दांत होते हैं। नीचे का जबड़ा ऊपर के जबड़े से लंबा होता है। गंगेटिक डॉल्फिन की त्वचा चिकनी और बिना बालों की होती है। गंगा रिवर डॉल्फिन में मादा नर से आकार में बड़ी होती है। मादा डॉल्फिन 2.5 मीटर लंबी और नर 2.25 मीटर लंबा होता है। गंगेटिक डॉल्फिन दो या दो से अधिक नदियों के संगम के आसपास गहराई गहरे पानी में पाई जाती है। गंगा रिवर डॉल्फिन के हैबिटेट में मगरमच्छ, मीठे पानी के कछुए और जलीय पक्षी भी देखे जाते हैं। गंगा नदी की डॉल्फिन केवल मीठे पानी में ही रह सकती है और यह दृष्टिहीन होती है। गंगेटिक डॉल्फिन आमतौर पर सतह पर रहने वाली मछलियों का या फिर कीचड़ में कम गहरे पानी में रहने वाली मछलियों का अपनी लंबी चोंच की मदद से शिकार करती है। गंगा में रहने वाली डॉल्फिन दृष्टिहीन होने के कारण अल्ट्रासोनिक साउंड की मदद से शिकार करती है। ये अल्ट्रासोनिक साउंड्स टारगेट फिश से स्ट्राइक होकर वापस लौटकर डॉल्फिन के दिमाग में एक रिफ्लेक्टेड इमेज बनाती है, जिससे गंगेटिक डॉल्फिन अपने शिकार को देख पाती है। मादा गंगेटिक डॉल्फिन 10 से 12 साल की आयु में सेक्सुअल मैच्योरिटी को प्राप्त करती है, जबकि नर पहले मैच्योर हो जाता है। गर्भधारण की अवधि 9 से 11 महीने की होती है और मादा 2 से 3 साल में एक बार केवल एक बच्चे को जन्म देती है। गंगेटिक डॉल्फिन अक्सर अकेले या छोटे समूहों में पाई जाती है और आमतौर पर एक माँ और उसका बच्चा एक साथ मिलकर घूमते हैं। गंगेटिक डॉल्फिन का बच्चा जन्म के समय चॉकलेट ब्राउन कलर का होता है और फिर वयस्क होने पर उसकी भूरे रंग की चिकनी और बालों से रहित त्वचा होती है। हर 2-3 साल में एक बार केवल एक बच्चे को जन्म देती है।